नमस्कार। सन 1984 में जब मैं इंदौर इंजीनियरिंग कॉलेज GSTI के फाइनल ईयर में था तो आरक्षण पॉलिसी पर पुनर्विचार के लिए गुजरात के मेडिकल कॉलेजों से आंदोलन शुरू हुआ। मुझे भी एक वक्ता के रूप में बुलाया गया था। उस समय लिखा एक प्रश्नोत्तर जो कि आज भी समसामयिक है, थोड़े से संशोधन के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पर से आप जनरल क्लास के गरीब विद्यार्थियों के दिल और दिमाग में असर करने वाली परिस्थिति का विश्लेषण अवश्य करिएगा। स्कूल से एक छठवीं क्लास का बच्चा अपने घर आकर अपनी माँ से पूछता है। बच्चा पूछता है, माँ ये SC और ST क्या होता है? माँ बोलती है, बेटा ये तुम्हें क्यों जानना है? बच्चा, माँ आज सर हमसे पूछ रहे थे कि कौन कौन SC और ST है। माँ, बेटा उन्होंने ऐसा क्यों पूछा, उन्होंने बताया नहीं क्या? बच्चा, बताया सिर्फ इतना कि जो SC ST है उन्हें पैसे मिलेंगे और हो सकता है OBC वालों को भी। पर माँ ये क्या होता है कास्ट? माँ, बेटा हमारे संविधान ने 5 कास्ट बनाई है, SC ST OBC अल्पसंख्यक और जनरल। जनरल को छोड़कर सरकार ने अन्य लोगों को विशेष मदद और सुविधाएं दी है। बच्चा, पर माँ सिर्फ उन्हीं क्यों मिलती हैं? और उस वर्ग का मेरा दोस्त तो गरीब भी नहीं है, उसके पिता व दादाजी बड़े सरकारी अधिकारी थे, फिर भी उसे पैसे मिलेंगे। ये सुविधा गरीब के लिए है, तो हम भी गरीब हैं तो हमको क्यों नहीं मिलेंगे पैसे? माँ, बेटा ये संविधान में लिखा है। बेटा, पर माँ संविधान में कहा गया है कि सबको एक जैसा हक है, तो फिर ये क्यों? माँ, बेटा ये राजनीति की गंदी खेल है, इसकी वजह से आज तक धर्म और जाति के नाम पर लोग एक समान नहीं हो पा रहे हैं। बेटा, पर माँ हम क्या हैं जिससे हमको पैसा नहीं मिलेंगे? माँ, बदनसीब, हम लोग बदनसीब हैं बेटा, पूरे विश्व में कहीं भी इस तरह का नियम नहीं है, बस हमारे भारत में है ये सुविधा। संविधान निर्माताओं ने जातिवाद के कारण दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाने के लिए इसको शुरुआत के सिर्फ 10 वर्ष के लिए रखा था, पर नेताओं ने राजनीतिक लाभ के लिए इसको पूर्ण रूप से परमानेंट लागू कर दिया, जबकि इसका लाभ आगे चलकर उन जातियों के गरीबों के अलावा अन्य जाति के बचे पीड़ित और गरीब लोगों को दिया जाना चाहिए था। बेटा, माँ क्या आगे भी मुझे किसी तरह की दिक्कत होगी? माँ, हाँ बेटा, तुझे पढ़ाई में, नौकरी में, प्रमोशन में हर जगह दिक्कत आएगी। जातिवाद का जहर तुझे मजबूर कर देगा और तू कितना भी सहन कर ले, एक दिन तू जरूर बोलेगा कि केवल जाति आधारित कोटा बंद करो। आज मुझे आश्चर्य होता है कि राजनेताओं द्वारा वोट की राजनीति के लिए जाट आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण, मराठा आरक्षण इत्यादि की बात की जाती है। जैन समाज, महेश्वरी समाज अपने को कई राज्यों में अल्पसंख्यक घोषित करवा चुके हैं। ऐसे में कहीं कुछ ब्राह्मणों, क्षत्रिय और बनियों को छोड़कर सभी आरक्षण की कैटेगरी में आ जाएंगे और हम जैसा गरीब वर्ग हमेशा की तरह भगवान भरोसे रह जाएगा। बेटा, माँ तो क्या हमारी मदद कोई नहीं करेगा, ना कानून, ना ही देश के नीति निर्धारक। काश मैं भारत छोड़कर और कहीं पैदा होता।